Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. Today 25th January 2019, Friday है. इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है. 8:29 हो रहे हैं अभी. तो क्या आज निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स हो सकती है, इसका एनालिसिस करेंगे. लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं और फिर बाद में ग्लोबल मार्केट और फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलेंगे, ठीक है. और जो नए सब्सक्राइबर्स हैं इनके लिए बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है और बाजू में अगर बेल आइकॉन है उसे प्रेस किया है, तो आपको जो हम हर सुबह निफ्टी एनालिसिस का वीडियो पब्लिश करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के ऊपर तुरंत आ जाएगी और आप मार्केट आवर्स के पहले ये वीडियो देख पाएंगे, ठीक है. तो ये है एक पिक्चर है कल का, यानी 24th January 2019 आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है. तो कल का अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आए बटन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी. तो कल के स्ट्रैटेजी के हिसाब से ब्रेकआउट लेवल था हमारा 10,868 और ब्रेकडाउन लेवल था 10,882. तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो ब्रेकडाउन लेवल है ये पूरा पेनेट्रेट होते रहा 12 बजे तक और इसके नीचे ये सस्टेन नहीं कर पाया और ऊपर भी आप देख सकते हैं ब्रेकआउट लेवल हमारा ब्रेक नहीं हुआ. तो एग्जैक्ट ये लेवल्स कल एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस साबित हुए. तो यहाँ पर कल कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी हमारे इस प्लान के हिसाब से, तो कल नो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. चलते हैं ग्लोबल मार्केट में, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलेंगे. कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स में हल्की से प्रेशर दिखाई दिया, 22 पॉइंट के गिरावट के साथ बंद हुआ. नासडैक बढ़त के साथ बंद हुआ, 47 पॉइंट की बढ़त वहां पर देखने को मिली. और यूरोपियन मार्केट देखें तो लंदन मार्केट में थोड़ी सी कमजोरी दिखाई दी, हालांकि जर्मन और फ्रांस मार्केट में बढ़त देखने को मिली. आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्के चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं. डाउ फ्यूचर देखे तो अभी 80 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है और एसजीएक्स निफ्टी भी 62 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी थोड़े से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है, हो सकता है ये रिकवरी फेज हो, ठीक है. चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे. वीकली चार्ट में जैसे कि हम देख रहे हैं ये यहाँ पर साइडवेज पैटर्न बना हुआ है और ये जो हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पर ड्रॉ किया था हाई और लो को पकड़ के, तो ये 10,882 का ये जो लेवल है इसके ऊपर अभी क्लोज होना बहुत जरूरी है. लास्ट वीक क्लोज हुआ था, लेकिन आप इस वीक देख सकते हैं कि फिर से यहाँ पर प्रेशर दिखाई दे रहा है और इसने 20 EMA का ये जो 10,789 के पास ये जो 20 EMA है इसका सपोर्ट फिर से एक बार टेस्ट किया है. तो यहाँ पर ये सपोर्ट का काम कर रहा है, अगर ये ब्रेक होता है तो 10,675 ये नेक्स्ट सपोर्ट होगा. इसके ऊपर ब्रेक क्लोज होगा तो हमें डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा, फिर हमें आने वाले समय में 10,000 या 11,000 के लेवल्स यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं. स्ट्रक्चर बुलिश बना हुआ है, लेकिन प्राइस एक्शन का जो पैटर्न है वो अभी भी साइडवेज पैटर्न है, हायर हाई हायर लो यहाँ पर बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है. चलते हैं डेली चार्ट में. डेली चार्ट में ये ट्रेंड लाइन जो कि आपने देखा अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यहाँ पर इसने सपोर्ट का काम किया था, हमने लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके इसके बॉटम्स को कनेक्ट किया था, तो यहाँ पर हमें ये ट्रेंड लाइन मिला था. तो इसके ऊपर क्लोज हो पाना बहुत ज़रूरी है तो हमें अपवर्ड जर्नी दिखाई दे सकती है. तो कल के मुताबिक, कल का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो यहाँ पर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बना था और उसके बाद यहाँ पर दो दिन हमें ये डाउनवर्ड मूव दिखाई दिया और यहाँ पर कंबाइन सपोर्ट लेवल्स आ रहे 100 EMA 50 EMA एक ही लेवल के पास आ रहे 10,790. तो कल यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर इसी लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया और ऊपर की तरफ मूव होकर 20 EMA के ऊपर क्लोज हुआ है और डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है, यानी इनडिसिजिव पैटर्न है, बुल्स और बियर्स में कन्फ्यूजन है. तो अगर ये हाई अगर ब्रेक होता है, कल का प्रीवियस हाई अगर ब्रेक होता है तो हमें यहाँ पर एक अपवर्ड मूव दिखाई दे सकती है आज के लिए, ठीक है. नीचे सपोर्ट अराउंड 10,790 ये बना हुआ है. तो ये है डेली चार्ट का सिनेरियो. चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे स्ट्रेटजी बनाते हैं. आज ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये अभी फिलहाल यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं, तो कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए ही आज ट्रेड करने का मौका देखें.
अगर निफ्टी इंडेक्स यहाँ पर 10,878 और ये जो तीनों लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए बाय करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,894, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट 10,906, ठीक है। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो ये पिवट पॉइंट का ये जो लेवल है 10,838, ये अगर कंफर्टेबली ब्रेक होता है, इसके नीचे सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए सेल पोजीशन हम बना सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,814 और सेकेंड टारगेट होगा 10,800, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा, ठीक है। तो ये थी आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स, ये थी स्ट्रेटजी। अगर आपको ये एनालिसिस, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी वीकेंड।